अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मंचूरियन। मंचूरियन मैंने आपको बहुत सारे बनाना सिखाए हैं, चाहे वो चिकन मंचूरियन हो या मटन मंचूरियन हो, और बीफ मंचूरियन भी शायद मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। लेकिन आज हम बना रहे हैं पोटैटो मंचूरियन। जो वेजिटेरियन है उनके लिए ये बहुत मतलब फेवरेट रेसिपी होगी, तो वो आज ये रेसिपी ज़रूर देखेंगे और घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए, पोटैटो मंचूरियन बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले हम आलूओं के बाउल बना लेंगे। तो उसके लिए हमने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। 2 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लावर लेंगे, तो 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे पेपरिका पाउडर लेंगे। मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि हमने बाद में इस्तेमाल करना है। नमक लेंगे हम 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, मैदा लेंगे हम 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे हम 1/2 टीस्पून, अदरक पाउडर लेंगे हम 1/2 टीस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें आलू के बाउल बनाने के लिए। तो अब हम आलूओं के बाउल रेडी करते हैं। तो आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि किचन विद आमना को पीसा अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। यूट्यूब ऑफ द ईयर नॉमिनेशन में मतलब सेलेक्ट किया गया है। तो इसके लिए मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ और आप सबका, क्योंकि अगर आप सब ना मेरे साथ होते तो आज शायद मैं नॉमिनेट कभी हो ही ना पाती। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे। तो सबसे पहले हमने आलूओं को ग्रेट कर लेना है, ठीक है। तो ग्रेटर से हम इसे ग्रेट करेंगे। तो ये देखें, इसी तरह हमने सारे आलू ग्रेट कर लेने हैं। मोटे वाले मतलब सुराखों से हम ग्रेट कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो बारीक वाले से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, सारे आलू हमने ग्रेट कर लिए। अब इसमें जितना भी पानी है ना, उसको हमने सारा निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बाउल लिया है और छानना ले लिया, और इसमें हम ये सारे डाल देंगे और सारा पानी हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, सारा पानी हमने निकाल लिया और अब हम इसे फिर से बॉल में डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, मैदा, अदरक पाउडर हाजमे के लिए, और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, बाकी की हमने बचानी है, ठीक है। ये हम बचा लेंगे सॉस के लिए। नमक डालेंगे, बाकी का बचा लिया। पेपरिका पाउडर, बाकी का हम बचा लेंगे सॉस के लिए। काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, और बाकी बचा लेंगे सॉस के लिए। तो चलें, और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, ऐसे ही हमने इसे मिक्स करना है, ठीक है। और इसको हम रखेंगे नहीं, इसे हम फौरी तौर पे फ्राई करेंगे बाउल बना के। चलें, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब इसके हम छोटे छोटे बाउल बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह हम इसके बाउल बना लेंगे। इस तरह बाउल बना के रखते जाएंगे। और इसी तरह सारे बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सारे आलू के बाउल्स बन गए। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। अच्छे से गर्म होगा, उसके बाद हम एक एक बाउल डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम बाउल डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे बिस्मिल्लाह करके। इनको हम ऐसे ऐसे करके हलाएंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो आप फ्लेम को मीडियम कर दें, ठीक है। तो ये जो रह गए, ये भी हम डाल देंगे। चल, ये देखिए, ऐसे आपने हला हला के इसे फ्राई करना है, ठीक है। तो ये ज़रा होंगे क्रिस्पी बाउल, ठीक है, आलू के। जब आप सॉस में डालेंगे तो ये क्रिस्पी क्रिस्पी होंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे। आप इसे ऐसे चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। तो इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, क्योंकि आलू कच्चे थे ना, तो अच्छे से पक जाएं अंदर तक। तो ये देखें, कितने ज़बरदस्त से बाउल हमारे फ्राई हो रहे हैं। मटन का भी मैंने आपको मंचूरियन बनाना सिखाया हुआ, बीफ का भी और चिकन का भी। ऊपर लिंक नज़र आ रहा होगा, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। क्रंची और क्रिस्पी से हमारे ये मतलब बाउल्स बने हैं। चले भाई, ये हो चुके हैं फ्राई, तो अब इनको हम निकालते हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त सा कलर आया है। आवाज़ सुने ज़रा। अब इनको हम प्लेट में निकालते हैं। तो अब हम सॉस रेडी करते हैं।
एक पैन लेंगे, इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे लहसुन, चॉप्ड किया हुआ लहसुन डालेंगे। 1 जवा लहसुन का लिया है मैंने, उसको छोटा छोटा काट लिया, ठीक है। और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ये झटपट मंचूरियन है, बहुत ज़बरदस्त। और कभी कभी चिकन खा खा के, मटन बीफ खा खा के इंसान तंग आ जाता है, तो कुछ डिफरेंट किस्म की ये रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए लहसुन को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें डाल लूँगी आधी कटी हुई शिमला मिर्च लंबाई में और आधा कटा हुआ प्याज लंबाई में, ठीक है। और इनको हम फ्राई करेंगे हल्का सा। और फ्लेम मैं इसमें लो कर दूंगी, ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इनको पकाएंगे ना तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी, हमें ज़रा थोड़ी सी कच्ची कच्ची चाहिए, ठीक है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी सिरका, सिरका हमने इसमें लिया है 1 टीस्पून और सोया सॉस लिया है हमने 1 टेबलस्पून और चिली सॉस लिए हमने 1 टेबलस्पून। थोड़ा चिली चिली सा टेस्ट आएगा, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, जो मैंने बचा के रखी हुई थी वही मिर्ची मैं डाल रही हूँ, मतलब वही स्पाइस डाल रही हूँ सारे, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून जो मैंने बचाया हुआ था, ठीक है। ये हो गया, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी केचप, केचप हमने लिए है 1/2 कप और कॉर्नफ्लावर लिए हमने 1 टेबलस्पून और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। और अब इसमें मैं डाल दूंगी फ्राई किए हुए आलू के बाउल्स और मिक्स करेंगे। ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, जब बाउल्स हमने इसमें डालने हैं सॉस में तो ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है। तो बस हम फ्लेम ऑफ करते हैं तो इनका जो क्रंची पान है वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। तो ये देखें इसको हम अच्छे से सेट करते हैं। तो बस पोटैटो मंचूरियन हमारा रेडी है, तो अब इसको हम डिश आउट करते हैं। तैयार है चटपटा सा पोटैटो मंचूरियन। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि डिफरेंट किस्म की रेसिपी है, आलू क्रिस्पी क्रिस्पी से और उसकी सॉस, तो खाने का मज़ा ही आ जाएगा। चाहे आप इसे राइस के साथ खा सकते हैं या आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। तो अगर आप इसको रोटी के साथ खाना चाहते हैं रोटी के साथ भी खा सकते हैं, वैसे ज़्यादातर राइस के साथ बहुत मज़ा आएगा। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और आप मुझे बताएं कि आपको पोटैटो मंचूरियन की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये चटपटे से आलू मंचूरियन की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।